सब्सक्राइब करें बी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। प्रशासनिक उद्देश्य से चंदौली जनपद का निर्माण वाराणसी जनपद से अलग करके वर्ष 1997 में हुआ। यह जनपद पवित्र गंगा नदी के पूर्वी और दक्षिणी दिशा की ओर स्थित है। इस जिले नाम अपने तहसील मुख्यालय के नाम पर रखा गया है। यह पूरा जिला प्राचीन काशी राज्य के अधिकार में था। इस जिले से संबंधित अनेकों कथाओं के अतिरिक्त यहाँ प्राचीन काल की मूल्यवान धरोहरों के प्रमाण भी पाए गए हैं और ईंट आदि के अवशेष भी जहाँ तहाँ पूरे जिले में बिखरे पड़े हैं। इस जिले के बहुत से भागों का इतिहास अभी अज्ञात है। जिले की तहसीलों में कुछ उजाड़खंड स्थान हैं, तालाब और कुंड हैं और उनके बारे में कई लोक कथाएं हैं। एक बहुत ही प्राचीन क्षेत्र बलुआ है जो सकलडीहा तहसील से 22 किलोमीटर शून्य दक्षिण गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा यहाँ पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। हिंदुओं का एक धार्मिक मेला हर वर्ष माघ महीने में मौनी अमावस्या के दिन लगता है। यह पश्चिम वाहिनी मेला के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा पूरे देश में केवल दो ही जगह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, एक इलाहाबाद में और दूसरा बलुआ में। सकलडीहा तहसील का रामगढ़ गांव एक महान अघोरेश्वर संत बाबा की नाराम की जन्मभूमि है। यह चहनिया से मात्र 06 किलोमीटर शून्य की दूरी पर है। वे वैष्णव धर्म के महान अनुयायी थे। इनका शिव और शक्ति में गहरा विश्वास था और दैवीय शक्ति में भी दृढ़ विश्वास था। अपना पूरा जीवन इन्होंने मानव जाति की सेवा में लगा दिया। यह स्थान हिंदुत्व का एक पवित्र स्थल बन गया है। जिले का एक प्राचीन स्थान है हेतमपुर गांव। यहां एक किला है जिसे हेतमपुर किला कहा जाता है। जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर शून्य उत्तर पूर्व में यह स्थित है। इस किले के अवशेष 22 बीघे के क्षेत्र तक फैले हुए हैं। कहा जाता है 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच टोडरमल खत्री के द्वारा इसको आकार दिया गया था जो शेर शाह सूरी के राज्य में निर्माण पर्यवेक्षक थे। मुगल काल के बाद तालुकेदार तथा जागीरदार हेतम खान ने इस पर कब्जा कर लिया। यहाँ 5 मुख्य ध्वस्त वीरान कोट हैं जिन्हें भुलाइनी कोट, भित्री कोट, बिचली कोट, उत्तरी कोट और दक्षिणी कोट कहा जाता है। यह यात्रियों को बहुत आकर्षित करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह हेतम खां के द्वारा स्वयं बनवाई गई थी। काशी राज्य का हिस्सा होने के कारण चंदौली का भी इतिहास वही है जो वाराणसी जिले का और काशी राज्य का है। भगवान बुधवार के जन्म के पहले ही ईसापूर्व 6ठी शताब्दी में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। इनमें काशी एक था जिसकी राजधानी वाराणसी थी। वर्तमान का बनारस अपने चारों ओर के क्षेत्रों के साथ काशी महाजनपद कहा जाता था। वाराणसी नगर भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है। प्राचीन काल से ही यह विद्या का केंद्र है। पुराणों में, महाभारत में और रामायण में इसका नाम आया है। यह हिंदुओं का साथ ही साथ बौद्धों का और जैनों का भी पवित्र स्थान है। यह नाम राजा काशी के नाम पर पड़ा है जो इस वंश परंपरा का 7वां राजा था। 7वीं पीढ़ी के बाद एक विख्यात राजा धन्वंतरी ने यहाँ शासन किया जिनका नाम आयुर्वेद के संस्थापक मुख्य चिकित्सक के रूप में स्मरण किया जाता है। काशी राज्य पर महाभारत के पूर्व की शताब्दी में मगध वंश परंपरा के शासक ब्रह्मदत्त का प्रभुत्व था, किंतु ब्रह्मदत्त की वंशावली का उत्थान महाभारत युद्ध के बाद देखा गया। इस वंश परंपरा के करीब सैकड़ों राजाओं ने इस राज्य पर अपना शासन किया। इसके कुछ शासक तो चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। काशी के राजा मनोज ने कौशल, अंग और मगंध की राजधानियों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार अश्वसेवा नाम के काशी के राजा थे जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता थे। सन 1775 में काशी राज्य ब्रिटिश शासकों के अधिकार में आ गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बनारस स्टेट का भारत में विलय हो जाने पर इस पीढ़ी के सबसे अंतिम राजा महाराज विभूति नारायण सिंह थे जिन्होंने करीब 8 साल तक शासन किया।